ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका। स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 पर। खबर है एटा से। अपने अनुशासन बनाए रखने, अपराधियों की धरपकड़ आदि दैनिक कार्यों के बीच यदि कोई अधिकारी गाय, बंदर आदि बेजुबान जानवरों के दर्द को समझे और उसे दूर करने का प्रयास करे तो उसे क्या कहेंगे। ऐसा ही फिलहाल एटा जिले के अलीगंज में हो रहा है। कोरोना के कारण सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन में गरीब असहाय लोगों को खाना तो अनेक स्वयंसेवी संस्था खिला रही हैं, किंतु एटा जिले की अलीगंज कोतवाली में उत्तर प्रदेश के एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा लॉकडाउन के बाद बेजुबानों का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। अलीगंज के पुलिस इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वह बंदरों को चने तथा गौवंशों को चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा हालांकि इस बात को अधिक महत्व ना देने की कह रहे हैं, किंतु आमजन द्वारा इस नेकी व मानवीय व्यवहार के लिए उनकी जमकर प्रशंसा की जा रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की रिपोर्ट। ये कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जो 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पे, उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा सभी भूखे लोगों को, निराश्रित लोगों को, असहाय लोगों को पके हुए भोजन और कुछ ड्राई अनाज भी दिया जा रहा है। जो जानवर हैं इनको इस तरह से अगर कोई सामग्री नहीं मिल पाती तो इनके लिए भी जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। उसी क्रम में ये पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जगह जगह बंदरों को, जानवरों को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको इस तरह की कुछ चीज़ें मुहैया करा रहे हैं जो उनके खाने पीने के काम आ रहा है।